नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले इस स्मार्टफोन का प्रॉपर बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट। जैसे कि देख सकते हैं फोन का नाम है पोको F6 5G। अभी इसका बैटरी लाइफ है एग्जैक्टली 2% और ये बात करते करते 1% भी हो जाएगा। इसलिए इधर हम देखेंगे अगर हम बैटरी परसेंटेज को 1 से 100% करेंगे तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, उस दौरान इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, और उसके बाद हम देखेंगे जब हम इसमें लगातार गेम प्ले करेंगे तो पर घंटे इसमें कितना बैटरी डिक्रीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। फोन के साथ आपको मिलेगा 120 वाट का चार्जर, लेकिन फोन में आपको जो सपोर्टेड चार्जिंग स्पीड है वो है 90 वाट का। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी इस फोन को बॉक्स से निकालेंगे मतलब नया नया लेंगे, इसमें जो फास्ट चार्जिंग वाला जो ऑप्शन या फिर जो बूस्ट चार्जिंग वाला जो ऑप्शन वो डीएक्टिवेटेड होगा, आपको उसे एक्टिवेट करना है। स्क्रीन में आपको एग्जैक्टली 3 इमेज मिलेगा, उस हिसाब से इसका जो चार्जिंग स्पीड उसे इंक्रीज कर दीजिए। अगर उसे नहीं करेंगे तो ये जो स्मार्टफोन नॉर्मल तरीके से चार्ज होगा। और हाँ, एक और चीज, अगर अभी जो बूस्ट चार्जिंग स्पीड या फिर फास्ट चार्जिंग स्पीड इस चीज को एक्टिवेट करेंगे तो फोन का टेम्परेचर नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास नोटिस आ चुका है, योर डिवाइस इज आउट ऑफ बैटरी एंटरिंग हाइबरनेशन मोड इन 30 सेकंड। तो अभी मैं इसका चार्जिंग शुरू कर रहा हूँ और पहले तो हम देख लेते हैं इसका अभी टेम्परेचर कितना है। देखिए इसका अभी टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। एसी और फैन मैंने टोटली ऑफ करके रखा है। तो अभी मैं चार्जिंग शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग एनिमेशन दिखने में एक्जेक्टली ऐसा है, और इधर एक ऑप्शन आ चुका है कि स्टॉप चार्जिंग स्पीड, इस चीज को आप डीएक्टिवेट मत करना। अगर आप करेंगे तो चार्जिंग थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन बैटरी थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 5 मिनट हो जाएगा तब। तो पहले के 5 मिनट इधर हो चुका है खत्म। अगर हम चार्जिंग स्पीड की बारे में बात करें, अभी एग्जैक्टली 18% मतलब अभी मिनट में हो रहा है ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और अगर हम इसकी टेम्परेचर की बारे में बात करें, 38, 37, 39, 38, 36, मतलब अभी 5 मिनट के अंदर इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो चुका है 39 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 15 मिनट हो जाएगा तब। तो 15 मिनट इधर हो चुका है खत्म। अगर हम इसके चार्जिंग के बारे में बात करें, अभी आप देख सकते हैं 37% चार्ज हुआ है। मतलब देखिए पहले 5 मिनट में आपने देखा था 18% के आसपास, मतलब तब एवरेज था मिनट में 3.5%, लेकिन अभी हुआ है 15 मिनट में 38%, मतलब ऑलमोस्ट मिनट में 2.5% के आसपास, मतलब जो चार्जिंग होने का जो स्पीड वो नेक्स्ट 10 मिनट में थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें, 39, 39, 38, 39, 39, 37, मतलब देखिए सर, देखिए 15 मिनट के अंदर इसका जो टेम्परेचर वो हो चुका है 39 के आसपास और एवरेज अभी 2.5% के आसपास। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 30 मिनट हो जाएगा तब। तो 30 मिनट इधर हो चुका है खत्म। अगर हम इसके परसेंटेज की बारे में बात करें तो देख सकते हैं अभी इसमें हुआ है एग्जैक्टली 70%। इसका मतलब अभी भी मिनट में जो चार्जिंग एवरेज वो है 2.5% के आसपास, मतलब पहले वाले के जैसा ही है। और इस दौरान अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें, 40, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40, 39, 40 से थोड़ा सा ज्यादा और 38, मतलब देखिए सकते कि आधे घंटे बाद इसका टेम्परेचर हुआ है 40 के आसपास। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें पूरा चार्जिंग खत्म हो जाएगा तब। तो इधर 50 मिनट हो चुका है खत्म और अभी अभी इसका जो चार्जिंग वो भी खत्म हो चुका है। पहले तो हम बात करेंगे इसके टेम्परेचर के बारे में, 38, 38, 38 ऑलमोस्ट, 38, 37, मतलब पोको F6 5G में 1 से 100% चार्जर में आपको लगेगा एग्जैक्टली 50 मिनट। और ये टाइमिंग हमें मिलेगा चार्जिंग बूस्ट और जो बाकी का जो बूस्ट सिस्टम है ना वो सब ऑन करने के बाद। अच्छा, इधर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, रिसेंटली मैंने Realme P1 रिव्यू किया था 15,000 का स्मार्टफोन, उसमें भी मिलता है 45 वाट का चार्जर। और मुझे पूरा याद है वो फोन चार्ज होने में लगा था 1 घंटे के नीचे। या फिर कुछ महीने पहले मैंने रिव्यू किया था Realme GT2, जिसके अंदर में मिलता है मेरे ख्याल से 65 वाट का चार्जर, वो चार्ज होने में टाइम लगता है एग्जैक्टली 40 मिनट के आसपास। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हमें मिल रहा है 90 वाट का चार्जर, तो इसका जो 90 वाट का चार्जर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था इसका 90 वाट के चार्जर की वजह से ये फोन चार्ज देने में टाइम लगेगा शायद 40 या फिर 35 मिनट के आसपास, लेकिन टाइम लगा है उससे 10 मिनट ज्यादा। मतलब जो भी हो, फास्ट चार्जिंग इसमें आपको तो मिल रहा है, 50 मिनट के आसपास चार्जिंग ही हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो चार्जिंग स्पीड वो 90 वाट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो हम शुरू करेंगे इसका कॉन्टिन्यूस बैटरी ड्रेन टेस्ट। अभी देखिए बैटरी ड्रेन के लिए जो फ्री फायर मैक्स इस गेम को मैं खेलूंगा,
इस जगह तो देख सकते हैं ब्राइटनेस मैंने मैक्सिमम करके रखा है, जो डिस्प्ले इसके अंदर का जो रिफ्रेश रेट मैंने उसे 120 हर्ट्ज करके रखा है, जो इमेज इंजिन सुपर रेजोल्यूशन सभी को मैंने एकदम हाई मतलब ऑन करके रखा है। और इसके साथ पोको के अंदर आपको एक गेम मोड जैसा कुछ चीजें मिलता है वो भी ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो अभी तो मैं इसका गेम प्ले लगातार शुरू कर रहा हूँ। तो इधर ही हमारा खत्म होता है बैटरी ड्रेन टेस्ट। अभी देखिए मैं पिछले एक घंटे से लगातार इसमें गेम प्ले कर रहा हूँ फ्री फायर मैच का एकदम मैक्सिमम सेटिंग पे। अगर हम बैटरी डिक्रीज के बारे में बात करें 13% हुआ है, मतलब उस हिसाब से हम कह सकते हैं इसका जो बैटरी ड्रेनिंग ठीक ठाक है। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें तो आप देख सकते 40, 39 मतलब ऑलमोस्ट 40, 39, 38, 39 ऑलमोस्ट 40। अभी देखिए कुछ देर पहले मैंने ये वाला वीडियो पब्लिश किया था कि इस स्मार्टफोन का मैक्सिमम बैटरी ड्रेन टेस्ट, तो उस वीडियो में मैंने दिखाया था इस स्मार्टफोन में हर घंटे में 25% बैटरी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी डिक्रीज हुआ है जस्ट 13%। इसका रीजन क्यों, ध्यान से सुनना। इस स्मार्टफोन का दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्ट्रीमर लोगों के लिए मतलब जो लोग यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करते हैं, अभी उन लोगों को स्ट्रीमिंग करने के लिए क्या करना होगा, इधर से आपको जो स्ट्रीमिंग डिवाइस उसे अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए आपको गेम प्ले करना पड़ेगा वो भी मैक्सिमम सेटिंग पे। अगर आप इस सिचुएशन में खेलेंगे तो तब आपका बैटरी डिक्रीज होगा घंटे में 25%, मतलब उस टाइम पे आपका स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा जस्ट 4%। लेकिन मैंने इस वीडियो पे आपको क्या चीज दिखा, नॉर्मल लोग मतलब आप मैं मेरे जैसे लोग जो कि हर दिन 2 से 3 घंटा कैजुअल गेम प्ले करते स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए गेम प्ले नहीं करते या फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस पे गेम प्ले नहीं करते, ऐसे अगर आप नॉर्मल तरीके से गेम प्ले करेंगे तब आपका बैटरी ड्रेन होगा घंटे में 13% के आसपास। और ये चीज देखना, मैंने ये जो गेम प्ले टोटली वाईफाई पे किया है, अगर आप 5G नेटवर्क यूज करेंगे तो शायद ये जो बैटरी ड्रेन मिनट में 20% के आसपास होगा। तो मतलब देखिए ये चीज मैं फिर से साफ कर देना चाहूंगा, अगर आप वाईफाई पे लगातार गेम प्ले करेंगे विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैक्सिमम सेटिंग में तो घंटे में 13% के आसपास बैटरी खत्म होगा। अगर आप वाईफाई के बजाय डायरेक्ट 5G में लगातार गेम प्ले करेंगे तो घंटे में 20% के आसपास बैटरी डिक्रीज होगा। और अगर आप वाईफाई मोड पे मतलब जैसे स्ट्रीमर लोग करते वाईफाई पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए अगर गेम प्ले करेंगे तो बैटरी डिक्रीज होगा घंटे में 25% के आसपास, और उस दौरान इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा 46 के आसपास। लेकिन अगर आप मेरे जैसे ऐसे नॉर्मल तरीके से खेलेंगे तो टेम्परेचर रहेगा वही 40 से 41 के आसपास। और जैसे मैंने पहले भी कहा था एसी फैन मैंने टोटली ऑफ करके रखा है। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि इस स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट या फिर हीटिंग टेस्ट आपको कैसा लगा, और इसके बाद आपको इस स्मार्टफोन रिलेटेड कौन सा रिव्यू देखना है कमेंट में मुझे जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।